जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिन लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन 9 लक्षणों के बारे में जिनके प्रकट होने पर आप यह पता कर सकते हैं कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गर्भवती होते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और मासिक धर्म जो है वो रुक जाता है। तो यह होता है सबसे महत्वपूर्ण और पहला लक्षण, यानी कि महावारी आना बंद होना। गर्भवती होते ही स्त्री की महावारी रुक जाती है और गर्भ धारण के महीनों तक यह रुकी रहती है, जो कि डिलीवरी के बाद ही, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद ही दोबारा से शुरू हो पाती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो स्तनों के आकार में परिवर्तन होने लगता है। स्तनों का एहसास होता है कि स्तन सूजे सूजे से महसूस होने लगते हैं और यह होता है हार्मोनों में बदलाव के कारण, जो कि स्त्री को स्तनपान के लिए तैयार करते हैं। स्त्री के गर्भवती होते ही स्त्री को थकान का एहसास होने लगता है, क्योंकि स्त्री की जो ऊर्जा है वो बच्चे के विकास में काम आने लगती है। अगला लक्षण होता है स्त्री को बार बार पेशाब लगता है, क्योंकि गर्भाशय का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिसके कारण बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण लक्षण जो परिवर्तन होता है उसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, मतलब कि जब गर्भवती स्त्री सुबह सुबह उठती है तो उसको जी मिचलाना, उल्टी आना या चक्कर जैसी फीलिंग उसको महसूस होती है। हर स्त्री में तो नहीं, पर कुछ स्त्रियों में नाक बंद होने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि झिल्ली पर दबाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से नाक बंद का सा एहसास होता है। स्टार्च युक्त चीजें खाने की इच्छा होती है, क्योंकि इनसे जी मिचलाना कम होता है, तो यह इच्छा भी बलवती होने लगती है गर्भवती अवस्था के दौरान। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, यानी कि वो कंसीव करती है, तो उस दौरान उसको कुछ ऐठन का भी एहसास होता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में ऐठन भी महसूस होती है। कुछ महिलाएं कब्जी की शिकायत भी करती हैं, मितली आना और कब्जी आना यह कॉमन है, क्योंकि हार्मोनिकल जो है इम्बेलेंस हो जाता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगता है, तो जिसके कारण कब्जी होना एक सामान्य बात है। तो ये लक्षण अगर आपके अंदर प्रकट होते हैं तो आपका फिर इसको कंफर्म करना बनता है, तो फिर करा जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट। यह प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट है वो अवेलेबल है, जिनमें यूरिन डाल करके आप उनका जो कलर चेंज होता है उसके आधार पर आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा करके भी उसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। कई महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी किट से अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शुरुआत में कम होने के कारण कई बार वो नेगेटिव आ जाता है, तो कुछ समय इंतजार करके भी वो दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आजकल तकनीकियां हैं तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा तो कंफर्मेशन हो ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाना चाहूंगा। जय हिंद।